Assalamualaikum everyone, welcome back to another video, Lifestyle with Sumaiya. तो चलिए शुरू करते हैं. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद ये मेरी पहली वीडियो है, पहला दिन है. जाहिर है उस दिन उस रात के बाद यानी सैटरडे के बाद संडे है. संडे का मेरा डेली का रूटीन कुछ ऐसा है कि जाहिर है रूटीन से हट के हम थोड़ा सा लेट उठते हैं, नाश्ता वाश्ता चल रहा होता है, बच्चे उठते हैं, मियाँ उठते हैं, बर्तन धोने होते हैं, घर के कामकाज करने होते हैं. वो सारा कुछ करने के बाद नेक्स्ट वीक से आपको थोड़ा थोड़ा वो भी दिखाएंगे, मगर क्योंकि आज रूटीन बहुत ज़्यादा हैक्टिक था तो हम एवरी संडे आते हैं इस जगह पे, इस फुटपाथ पे बैठते हैं. क्यों? क्योंकि कल रात को मैंने आपसे जिक्र किया कि मेरा बेटा है हसन अदील, द यंगेस्ट सोशल एक्टिविस्ट ऑफ पाकिस्तान. उसने कोविड के दौर में और इस महंगाई के दौर में लोगों के लिए सोचा, ये सोचा, उसका मौकफ था कि कोई भूखा ना सोए. खाना, रोटी, पानी, ये सब चीज़ें ज़िंदगी के लिए अहम है, मगर हम नहीं चाहते कि कोई हाथ फैलाए खाना मांगने के लिए, खाना खाने की जो जस्तजू है उसके लिए. तो हमने ये सोचा कि हम कुछ ऐसा सिलसिला करते हैं जिससे प्रोवाइड कर सकें हम लोगों को खाना. इतवार के दिन ये एहतमाम हम करते हैं. यहाँ पे एक दस्तरखान बिछा होता है जो कि हम आपको दिखाएंगे. वैसे यूजुअली हम 3 साल से जो है ये दस्तरखान कर रहे हैं. एवरी संडे का मेरा रूटीन है. फिर असर के बाद हम यहाँ आते हैं, मगरिब के बाद दस्तरखान लगता है. यूजुअली दस्तरखान जो है वो लगता है, मगर चूँकि 2-3 हफ्ते से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ताकि लोग अपने घर भी पार्सल्स की सूरत में भी ले जा सकें. तो ये दस्तरखान हम आपको दिखाते हैं, छोटी छोटी झलकियाँ, और इसके बाद जो है आगे भी बताएंगे कि क्या होता है क्या नहीं. हसन की मैं इस वीडियो में पिक्चर भी ऐड करूँगी ताकि आप लोग उसको पहचान भी सकें. और मेरे इस रूटीन और इस मामलात में जो सिलसिले हैं वो भी आप जान सकें. सादा हूँ आज, मैंने कोई मेकअप वेकअप नहीं किया हुआ, बहुत ही सादा हूँ. और सादगी में जो है हम यहाँ पर ये नेकी का काम करने निकले हैं, कदम बढ़ाए आए हैं, आपको मिलाते हैं इस एनजीओ में. जो मेंबर्स, जो बच्चे हमारे साथ काम करते हैं वो ये सारे बच्चे हैं. और ये बच्चे आज से नहीं हैं, शुरू दिन से हैं. और ये बच्चे जो हैं अब मेरे बच्चे हैं, ये अब किसी और के बच्चे नहीं हैं. ये है उज़ैर, एग्जीक्यूटिव मेंबर. सलाम अलैकुम. समीर भाई जो है वो लीड करते हैं पूरी टीम को. गुस्सा जहाँ दिखाना होता है वहाँ गुस्सा भी दिखाते हैं, और जहाँ प्यार से बात करनी होती है वहाँ प्यार से ही बात करते हैं. तो आप इनके एक्सप्रेशन चेक कर सकते हैं. लड़की की ज़रूरत हमें पड़ सकती है इनके लिए, मगर अभी नहीं. साल भर बाद. और ये हमजा हैं, और यासिर भाई ने अभी ज्वाइन किया इसलिए मैं उनको जानती हूँ. हमजा की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी, हमजा का एक्सीडेंट हो चुका था. अल्लाह ताला ने हमजा को नई ज़िंदगी दी है और उसके पैरों को भी नई ज़िंदगी दी है, ठीक है. और उसने उसी ज़िंदगी में एक मंगनी की है और जिसमें हमें बुलाया भी नहीं और ना हमें इनवाइट किया और ना मिठाई दी. बस ऐसी बातें हैं. नहीं ऐसी बात बस कर ली ना, अब क्या फ़ायदा. ये वाले जो बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये गोविंद है, ये शिवा है, ये मुस्लिम नहीं है, मगर ये हमारे साथ होते हैं दस्तरखान पे. और जाहिर है इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, मज़हब से हट के जो बात अगर की जाए तो ये उनसे हट के यहाँ पे आते हैं दस्तरखान पे और यहाँ पे हमारा साथ देते हैं. अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है. राजू, सूरज, गोविंद, ये सारे तीनों बच्चे बेस्ट बच्चे, बेस्ट. माशाल्लाह शुरू हो चुकी है और वो सारे लोग माशाल्लाह जो हमारे साथ हमारे मेहमान बन के आते हैं हर संडे, वो यहाँ हमारे साथ खाना खाएंगे. आज चूँकि दस्तरखान नहीं लग रहा है उसकी वजह ये कि बारिश बार बार हो रही है, तो हमने सोचा कि हम लोगों को पार्सल्स दें और डिस्ट्रीब्यूट कराएं. और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखा जा रहा है. और ये साथ साथ मैं लाइव भी कर रही हूँ भूखे नहीं सोइए के पेज से, तो मुझे यहाँ भी देखना पड़ रहा है और वहाँ भी देखना पड़ रहा है. हसन जो है वो वीडियो बना रहा है. और तो ये सारे लोग जो हैं वो इंशाल्लाह हमारे मेहमान हैं, खा कर जाएंगे. नज़्म व ज़ब्त के साथ हम उनको खाना भी इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे. और बड़ा दिली सुकून है, बड़ा ज़हनी सुकून है, बड़ा इत्मीनान है कि अल्लाह ताला ने हमें उन लोगों में से रखा और कि जो हम अल्लाह ताला के उन बंदों के लिए कुछ भी कर सकें और किसी भी सूरत में. तो ये खाने की डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है. हसन जो है वो खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह. और मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, मुझे सारे मामलात हिसाब किताब भी देखने होते हैं. साथ साथ मैं हसन के पेज से लाइव भी जा रही होती हूँ, साथ साथ मैंने अब ये ब्लॉगिंग भी शुरू कर दी है.
तो माशाल्लाह ये सारे जो वो लोग हैं जो यहाँ पर मेहमान हमारे बन के आते हैं और कोशिश करते हैं हम उनको कि हम उनको बहुत अच्छे तरीके से सर्व कर सकें और नज़्म व ज़ब्त ख़राब ना हो और बहुत अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज़ में वो लोग खाना इंशाल्लाह यहाँ से लेकर जाएँ। जज़ाकअल्लाह। तो ये आज का जो हमारा व्लॉग था ये संडे का कम्प्लीट हुआ। अज़ान मगरिब हो गई है, खाना यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हम जाएँगे घर और जाके करेंगे थोड़ा रेस्ट, पढ़ेंगे नमाज और फिर इंशाल्लाह फिर वही कल से फिर रूटीन जिंदगी का। मंडे इज़ अ टेंशन डे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, वीडियो आपने देखी, संडे का दिन आपने देखा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें और भी लेकर आनी है, दिखाना है आपको। कॉमेंट्स में ज़रूर बताएँ अपने कि आप क्या देखना चाहते हैं और आपको कैसी लगी वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।